सुदामा पहुंचा और वो चकित है, विस्मित है, और उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे हुआ क्या तुझे? कुछ दो बातों में से एक कोई हो गई, कुछ हुआ है तेरे आसपास, कुछ घटित जो अलौकिक है, बड़ा दिव्य है, जो बड़ा अनुपम और उदात्त है। ये मेरा घर तीर्थ बन गया। ऐसा हो नहीं सकता कि चारों धाम एक साथ यहां आए हों और द्वादश ज्योतिर्लिंग और सकल तीर्थ यहां मुझे चैतन्य दिखाई देते। दो बातें हो गई या उनमें से कोई एक? वो तो बेचारी पुलकित है, रोमांचित है, रस से भीगी है, वो बताए क्या कि क्या हुआ है। एक आनंद रस साकार रूप में देखा सुदामा की पत्नी ने, परमात्मा के दर्शन किए सुदामा की पत्नी ने। सुदामा पूछता है, दो बातों में से कोई एक हुई है। एक बात तो ये कि या तो तुझे समाधि घटित हो गई, या तो तेने समाधि सिद्ध कर ली है, अथवा फिर यहां भगवान आए होंगे, तीसरी कोई और बात नहीं हुई। या तो हमारे घर में भगवान आ गए, या तुझे समाधि लगी है। समाधि के बाद ही इतना आनंद बरस सकता है बाह्यांतर। और हम तो महाभाग्यवान हैं, हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए कि उनके आसपास बाह्यांतर रस बरसता रहा है। सुदामा की पत्नी की आंखें गीली और वो कहती है, एक तेजस्वी, एक अद्भुत, एक विलक्षण कोई यति द्वार पर कुछ देर पहले ही तो आया, उसी के आगमन के कारण ये सब हुआ है। हुआ क्या? तो बताती गई, पूरी गाथा सुना दी। आपसे बिना अनुमति लिए मैं वचन दे चुकी हूं, आपको द्वारिका जाना होगा रीते हाथ, खाली हाथ, इस अवस्था में दर्द देने वहां पहुंच जाओ। वो गई दूर दूर से, कहीं से टूटे फूटे तंदुल उधार मांगकर, अपना चीर ये वस्त्र फाड़कर, तंदुल बांधकर पति के हाथ में पकड़ा दिए। हट कभी की नहीं, मांगा नहीं कुछ आपसे, पत्नी हूं ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये करो। आज लोक परलोक संवारने के लिए कृष्ण के पास भेज रही हूं। अगर यति को वचन न दिया होता तो हट न करते, सन्यासी को वचन दिया। कृष्ण पहुंच गए, भगवान के द्वार पर सुदामा पहुंच गया। मैं सुदामा को पकड़ूं तो 7 दिन की कथा है सुदामा की, तो क्योंकि वो विपन्नता है, हम सब विपन्न हैं, हम सब दरिद्र हैं, कोई ज्ञान से विपन्न है, कोई वैराग्य से विपन्न है, कोई भाव से विपन्न है, कोई विद्या से विपन्न है, हम सब दरिद्री तो हैं। किसी में वैचारिक दरिद्रता है, किसी में चिंतन की दरिद्रता है, किसी में संस्कार की दरिद्रता है, किसी में भाव की दरिद्रता है, किसी में करुणा नहीं है, किसी में प्रेम नहीं है, सारे तो दरिद्री हैं बेचारे। कुछ तो धन से भी दरिद्र होते हैं।